डिफेंडेंट, अ डिफेंडेंट इज अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और अ पर्सन अगेंस्ट होम सम टाइप ऑफ सिविल रिलीफ इज बीइंग सॉट इन अ सिविल केस। डिफेंडेंट एक ऐसा आदमी है जो कि अक्यूज होता है कोई भी क्राइम करने का किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अंदर, या कोई भी पर्सन जिसके ऊपर इल्जाम हो कि उसने कोई जुर्म किया है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। टर्मिनोलॉजी वेरीज फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर। ये टर्मिनोलॉजी वेरीज करती है एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन, एक इलाके से दूसरे इलाके के अंदर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉट्स लॉ डज नॉट यूज द टर्म डिफेंडेंट। स्कॉटिश लॉज जो है वो डिफेंडेंट की टर्म यूज नहीं करते, वो अक्यूज्ड की और पैनल की टर्म यूज करते हैं। इंस्टेड, अच्छा, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर वो अक्यूज्ड और पैनल की टर्म यूज करते हैं बनिस्बत डिफेंडेंट के, और वो सिविल प्रोसीडिंग्स में डिफेंडर का लफ्ज यूज करते हैं। इन ए क्रिमिनल ट्रायल अ डिफेंडेंट इज अ पर्सन अक्यूज्ड या चार्ज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, अ क्राइम, एन एक्ट डिफाइंड एज पनिशेबल अंडर क्रिमिनल लॉ। द अदर पार्टी टू ए क्रिमिनल ट्रायल इज यूजुअली अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट इन सम ज्यूरिसडिक्शन प्राइवेट प्रोसिक्यूशन आर अलाउड। अच्छा, क्रिमिनल ट्रायल के अंदर अ डिफेंडेंट जो होता है वो ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर चार्ज या अक्यूज या ऐसा मुलजिम होता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है किसी भी गलत क्राइम का कि उसने ये गलत काम किया है, जो कि वो जो क्राइम होता है वो लॉस क्रिमिनल लॉस के अंदर क्राइम डिक्लेयर होता है, उसका इल्ज़ाम होता है, वो अक्यूज होता है, ठीक है, उसको डिफेंडेंट कहते हैं, जो कि कोर्ट में अपना डिफेंस पेश करता है इसके हवाले से। ठीक है जी, हम इसको और आसान करते हैं। कोर्ट जज न्यूट्रल, प्रोसिक्यूटर जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, डिफेंडेंट जिसने क्राइम किया होता है, जो गिल्टी होता है, जो अक्यूज है, वो चार डिफेंडेंट कहलाता है। अच्छा, डिफेंडेंट अटॉर्नी ऑफ लॉ भी जो कहते हैं वकील भी करता है, अटॉर्नी एट लॉ जिसे कहते हैं ना, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपने इख्तियारात जितने भी हैं वो सारे उस वकील को दे देता है। डिफेंडेंट खुद चाहे, वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, वो एक आम आदमी है, अगर वो चाहे तो कोर्ट को कह सकता है नहीं मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूं, तो कोर्ट उसको अलाउ करती है एज अ डिफेंडेंट, ठीक है। लेकिन हमारे यहां की जो कोर्ट सिस्टम है वो क्योंकि डिसीजन बेस्ड जजमेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पर तय हो जाती है और वही फॉलो ऑन होती है, वो फॉलो अप उन्हीं का चलता रहता है, ज्यादा तरजीह दी जाती है कि अच्छा ऐसा ही वाकया आज से 30 साल पहले हुआ था तो ये फैसला हुआ तो आज भी ये होगा उन्हीं की लाइन ऑफ एक्शन में। तो जो डिफेंडेंट है वो अटॉर्नी एट लॉ रखता है कि अच्छा कोर्ट की प्रोसीडिंग में ये प्रेसिडेंट कैसे चलते हैं, ये पीएलडीज ये हैं, ऐसे ऐसे होता है तो उनके तहत ऐसे 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 वो नए नए रास्ते नई नई चीजें अटॉर्नी एट लॉ प्रोसिक्यूशन के अंदर ही। तो वही कोर्ट जहां फैसले होने थे हकीकत और सच्चाई की तरफ जाना था, वो एक ऑगमेंटेशनल प्लेस बन गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट। वो एक हकीकत कुछ और होती है, वो कोर्ट में जाके कुछ और इन्हीं चीजों की वजह से हो जाती है। इतनी डाइवर्जन्स और इतनी ही चीजें फैलती जाती हैं कि वो कन्वर्ज नहीं हो पाती। एक आम रुझान है, अगर कोई आदमी एक अक्यूज कहते नहीं मैं खुद डिफेंडेंट बना, तो जज भी उससे चार बार पूछते हैं आप बनना चाहते हैं, फिर उसको एक वो थ्रेट कर, अच्छा अगर हम फैसला करेंगे तो आपके खिलाफ होगा, फिर अपील नहीं हो सकेगी, वो एक प्रेसिडेंट तय किए, अटॉर्नी रखेगी तो अपील कर सकते हैं, मतलब एक चीजें तय की हुई है जिसके अंदर उसमें भी एक हरासमेंट हो जाती है, मतलब एक डू डाई की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, तो जहां भी
सिस्टम का बैलेंस आउट है, वहां इस किस्म की चीजें ज्यादा हैं। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह, जो अच्छे हैं वो अच्छा काम ही करते हैं, वो बुराई में से भी अच्छे काम का पहलू वो आगे बढ़ा देते हैं, बुरा पहलू पीछे कर देते हैं। ये तो फैसला करना है करने वाले को कि वो अच्छा करना चाहता है या बुरा। अगर वो अच्छा करना चाहता है तो बुरे से बुरी चीज में भी अच्छा करेगा। तो डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूटर, जज। प्रोसिक्यूटर वो आदमी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है, डिफेंडेंट वो आदमी है जो उसके ऊपर चार्ज होता है, वो मुलजिम होता है, वो क्रिमिनल होता है, जिसके ऊपर क्राइम का चार्ज होता है, जो अक्यूज होता है गलत काम करने का या क्राइम करना कोर्ट के सामने। डिफेंडेंट अगर खुद नहीं कहना चाहता तो अपने बिहाफ पे अटॉर्नी एट लॉ रख सकता है। अगली डेफिनेशन हम अटॉर्नी एट लॉ की पढ़ेंगे।